जम्मू कश्मीर में सैन्य बेस पर हुए ड्रोन हमले और फिर ड्रोन देखे जाने के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई है। देश से लगी तमाम सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण जिला से लगी भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने 8 ड्रोन कैमरा को बरामद किया है। ड्रोन कैमरा चीन निर्मित है, जिसे 3 तस्कर नेपाल के रास्ते भारत ला रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर गुआबारी सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने तस्करी कर लाए गए 8 ड्रोन कैमरा को जब्त किया। एसएसबी ने तस्करों से पूछताछ के बाद स्थानीय कुंडवा चैनपुर थाना को अग्रेतर कार्रवाई के लिए ड्रोन समेत सौंप दिया है। एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया कि ड्रोन बरामदगी मामले की जांच की जिम्मेवारी सिकराना डीएसपी को दी गई है। एसपी के अनुसार पूछताछ में तस्करों ने बताया कि शादी विवाह में एरियल वीडियोग्राफी के लिए नेपाल से खरीद कर वे लोग ड्रोन को लाए थे, लेकिन इस बरामदगी के मामले में हर पहलुओं पर जांच की जा रही है, साथ ही ड्रोन की टेक्निकली जांच भी जारी है। जो उन व्यक्तियों से प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया था कि वो लोग शादी विवाह में जो ऊपर से ड्रोन में वीडियो कैमरे लगाकर रिकॉर्डिंग की जाती है एरियल व्यू के लिए, तो उसी के लिए वो लोग लाए थे और कहीं उनको बेचना था। प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया गया उनके द्वारा, लेकिन हमारे द्वारा सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है और अभी स्पष्ट तौर पर कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। दरअसल कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र में विगत 26 जून को गुआबारी एसएसबी पोस्ट के अधिकारियों को नेपाल से कुछ प्रतिबंधित सामानों की तस्करी कर भारत में लाने की जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर एसएसबी ने गश्त बढ़ा दी। उसी दौरान नेपाल की तरफ से एक उजली कार आती दिखी। कार में 3 युवक सवार थे। एसएसबी के जवानों ने कार की जाँच की तो कार से 8 ड्रोन कैमरा बरामद हुआ। एसएसबी ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्करों में सीतामढ़ी जिला का रहने वाला विक्की कुमार और कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला कृष्णनंदन कुमार एवं राहुल कुमार है। ब्रजेश कुमार झा, ईटीवी भारत, मोतिहारी।